अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ सूबी और मेरे चैनल कुकिंग विद सूबी में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ शाम को स्नैक्स की रेसिपी। शाम को अक्सर हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए समोसा, कीमे का समोसा की रेसिपी, बहुत ही क्रिस्पी खस्ता। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो इसको बनाने, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम पहले लेंगे मैदा। तो चलिए लेते हैं, मैंने यहाँ लिया है 200 ग्राम मैदा। उसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा अजवाइन, अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे हाथों से। इसमें हम डालेंगे ऑयल, ऑयल मैं यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। फिर को मैं इसे अच्छे से मिक्स करके चेक करूँगी तो कैसे में कितना खस्ता रहेगा, मैं आपको बताऊँगी वीडियो में। अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों से बिल्कुल अच्छे से तेल को अच्छे से सारे में मिक्स करना है, मैदे में बिल्कुल भी लम्स ना रहे। और इस तरह हम मुट्ठी से चेक करेंगे, ये मुट्ठी बन जाएगी मैदे की तो इतना खस्ता सही है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मुट्ठी बन रही है तो इतना सही है। तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी देकर गूँथ लेंगे, इसका डो बना लेंगे। डो को हमको नहीं ज़्यादा हार्ड रखना और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, बिल्कुल नॉर्मल सा डो हम बनाएंगे। डो जो है हमारा बिल्कुल रेडी है, ये देखिए, बिल्कुल न ज़्यादा हार्ड है न ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस टाइम पे इसे हम ढक देंगे थोड़ा सा और ये बाद में अच्छे से हो जाएगा। तो हम इसे ढक कर रखते हैं साइड में, फिर हम चलते हैं कीमे की तरफ। तो हम इस पर आप यहाँ अपना कीमे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने लिया है पैन, पैन में डालूँगी ऑयल, ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी 1 तेज़पत्ता, थोड़ा जीरा, चटकने देते हैं। उसके बाद मैंने ये चिकन का कीमा लिया है, इसमें डाल दूंगी, 250 ग्राम है। अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने उसे अच्छे से मिक्स किया। मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद मैं डालूँगी यहाँ 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 हल्दी, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और अच्छे से सबको मसाले को मिक्स करके पकाएंगे। अच्छे तरह मसाले को मिक्स करके अब मैं इसे ढक दूंगी और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए मसाला जो है बिल्कुल पक गया है, भुन गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच, और गरम मसाला डालकर इसे 2 मिनट के लिए और भून देंगे। बिल्कुल सूखा सा भून लेंगे इसको, जब कीमा अच्छे से भुन जाएगा तो इसे रखेंगे साइड पर ठंडा होने के लिए। और जब कीमा ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें प्याज कटा हुआ और मिर्ची और धनिया पत्ता डालकर ऐसे मिक्स कर लिया था, वो भी वीडियो शूट नहीं हुआ उसके लिए सॉरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ मैंने ले लिया डो, डो को मैंने प्लेटफॉर्म पे रख दिया है, उसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों से। अब हम इसके ऐसे छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे।
पेड़े बनाने के बाद हम इसे आप पूड़ी के शेप में बेलेंगे। छोटा ना ज़्यादा मोटा रखना है, ना ही ज़्यादा पतला करना है, ऐसा बेले कर इसे राउंड शेप में बेलेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फिलिंग कीमे की, मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। मैंने लिया है एक तो कटोरे में थोड़ा सा पानी, उस पानी से उंगली से हम इसके गोल तरफ सारे तरफ पानी लगाएंगे। पानी लगाने से क्या है, ये अगर तेल में हम डालते हैं तो ये निकलता नहीं है, चिपका रहता है। अब हम इसे के कॉर्नर को अच्छे से उसमें चिपकाएंगे। अच्छे से चिपकाने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। तो मैंने इसके कॉर्नर को अच्छे से कर दिया और कॉर्नर के एक साइड से हम इसे राउंड राउंड ऐसे इस तरह से घुमाते हुए फोल्ड करेंगे। ये देखिए, एक उंगली ऊपर रहेगी, दूसरी उंगली से हम कॉर्नर को इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से पैक हो जाएगा। इसी तरह हम सारे समोसे बनाकर रख लेते हैं। ये मैं दूसरा भी आपको दिखा दे रही हूँ, देखिए। वैसे तो ये समोसा फोल्ड करने का मार्केट में अवेलेबल है, पर अपने हाथ से बनाने का अलग ही मज़ा है। जल्दी जल्दी में आपको मार्केट से लाकर भी वैसा शेप गुजिया का जो होता है वो मेकर से आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ये देखिए, अब मैंने इसी तरह सारे समोसे बना के रख लिए। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया तेल, तेल को हल धीमे आँच मीडियम टू लो रखेंगे और इसको धीमे धीमे हम फ्राई करेंगे। तेल हल्का गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें दो डालकर समोसे डालकर फ्राई करूँगी। समोसे डालकर हमें रखना है पेशेंस, क्योंकि ये हल्के हल्के धीमे आंच पे जब पकेंगे तब बहुत कुरकुरे और खस्ते लगेंगे। एक साइड पकने के बाद हमें उसे पलट देंगे। दूसरी साइड से इसे पकने देते हैं। इसे निकाल लेंगे हम दूसरे प्लेट में। तो चलिए, अब हमारा जो समोसा है वो बिल्कुल रेडी है, खस्ता खस्ता सा। देखिए कितना ही खस्ता लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।